आपको हमारे चैनल शुभ लाभ जी के क्लासेस में स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। आज है 7 जनवरी 2023। आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स है को डिस्कस करेंगे। आइए आज के सेशन को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विश्व का पहला ताड़ पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ खोला गया? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर है केरल। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? भारतीय संग्रहालय कोलकाता। भारत में प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय का नया नाम क्या है? छत्रपति शिवाजी संग्रहालय, और ये कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में है। बात केरल की हो रही है तो केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम सरकार ने 2022-23 के लिए असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव किसे दिया जाएगा? डॉक्टर तपन सेकिया, डॉक्टर विजय कुमार, डॉक्टर अनुज अग्रवाल, डॉक्टर दिनेश कुमार दास। इसका सही आंसर है डॉक्टर तपन सेकिया। इंपॉर्टेंट फैक्ट, असम के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिश्व शर्मा। असम के वर्तमान राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी। असम के राजधानी कहाँ है? दिसपुर। असम का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? गुवाहाटी में। कौन सा अभयारण्य एक सिंह वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम। किस राज्यों के मुख्यमंत्री ने मूल बनकरों के कल्याण के लिए स्वर्ण नारी योजना शुरू की है? असम सरकार ने। किस राज्य सरकार ने विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना शुरू की है? असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल विजन 2047 विषय पर पहला अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ किया जाएगा? कोलकाता पश्चिम बंगाल, मुंबई महाराष्ट्र, भोपाल मध्य प्रदेश, गांधीनगर गुजरात। इसका सही आंसर है भोपाल मध्य प्रदेश। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन नवंबर 2022 में बाली इंडोनेशिया में किया गया। SCO शिखर सम्मेलन उज्बेकिस्तान में सितंबर 2022 में संपन्न हुआ था। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन चीन में जुलाई 2022 में हुआ था। पांचवा बिम्सटेक शिखर सम्मेलन श्रीलंका में मार्च 2022 में हुआ था। G7 शिखर सम्मेलन जर्मनी में जून 2020 में हुआ था। नाटो शिखर सम्मेलन मैड्रिड स्पेन जुलाई 2022 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान किस बैंक द्वारा शुरू किया गया? HDFC बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, SBI, बंधन बैंक। इसका सही आंसर है बंधन बैंक। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, बंधन बैंक का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। HDFC बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है। तो बंधन बैंक के MD और CEO कौन है? चंद्रशेखर घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्पेस स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए इसरो ने किसके साथ समझौता किया है? एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, नोकिया। इसका सही आंसर है माइक्रोसॉफ्ट। तो इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की स्थापना कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 को। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में है। इसरो के प्रथम अध्यक्ष विक्रम साराभाई थे। इसरो के अध्यक्ष S. सोमनाथ हैं। इसरो का चंद्रयान 3 मिशन जून 2023 में पूरा किया जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट के CEO कौन है? सत्या नडेला।
सत्या नडले को पद्म भूषण दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्यों के राज्यपाल आर एन रवि ने तंजावुर में ऑक्टेप 2023 का उद्घाटन किया? कर्नाटक, राजस्थान, बिहार, तमिलनाडु। इसका सही आंसर है तमिलनाडु। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ऑक्टेप 2023 में भाग लेने वाले राज्यों असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश है। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? एम के स्टेलिन। तमिलनाडु का राज्यपाल आर एन रवि। पोंगल तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा मनाया जाने वाला त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मुंगा भाई पटेल ने एक चिकित्सा पुस्तक ह्यूमन एनाटॉमी का विमोचन किया है। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? डॉक्टर ए के द्विवेदी, डॉक्टर अजय शर्मा, डॉक्टर अनुराधा अग्रवाल, डॉक्टर विशाल कुमार। इसका सही आंसर है डॉक्टर ए के द्विवेदी। तो बात किताब की हो रही है, तो नवीनतम पुस्तकें हैं अंबेडकर ए लाइक शशि स्वरूप द्वारा लिखा गया था, कन्फ्यूजन माइंड स्टोरी साहिल सेठ के द्वारा लिखा गया था, रजनी के मंत्र पीसी बालासुब्रम के द्वारा लिखा गया था, द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया प्रकाश सिंह के द्वारा लिखा गया, टॉम्स एंड सेंट गीतांजलि श्री के द्वारा लिखा गया, द टाइगर ऑफ द्रास मीना मेयर द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणजी ट्रॉफी टेस्ट क्रिकेट में पहले ही ओवर में हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? जयदेव उनादकट, विशाल सिंह, करण सिंह, उमेश यादव। इसका सही आंसर है जयदेव उनादकट। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इरफान पठान टेस्ट क्रिकेट में पहले ओवर में हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज हैं। वनडे क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले चेतन शर्मा पहले भारतीय गेंदबाज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान कोपाल लिमिटेड ने किस आईआईटी के साथ अनुसंधान परियोजनाओं के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी आईएसएम इंडियन स्कूल ऑफ माइंस होता है, और आईआईटी गुवाहाटी। इसका सही आंसर है आईआईटी आईएसएम, यानी इंडियन स्कूल ऑफ माइंस होता है। इसका सही आंसर है आईएसएम, आईआईटी आईएसएम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड के परिसर में किस पूर्व महिला क्रिकेट खिलाड़ी के मूर्ति का अनावरण किया गया है? बेलिंडा क्लार्क, एलिसे पेरी, मेग मेलिंग, हीथर ग्राहम। इसका सही आंसर है मेलिंडा क्लार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 79वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? एम प्रणेश, राजा ऋतिक, मित्रा गुहा, राहुल श्रीवास्तव। इसका सही आंसर है एम प्रोनेस। भारत के 78वें ग्रांड मास्टर कौन बने हैं? कौस्तुभ चटर्जी। विश्वनाथ आनंद भारत के पहले ग्रांड मास्टर बने 1988 में। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।